हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारंग आर्टिलरी गन के बारे में। आप अगर रीसेंट टाइम से देखो 2018 के बाद, तो ये चौथे टाइप की आर्टिलरी गन होगी जो हम इंडक्ट करेंगे इन आर आर्म फोर्सेस। इसकी खासियत क्या है जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से टॉपिक मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंडर जीएस पेपर 3 सबसेक्शन वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड देयर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आप हाउइट्सर या फिर K9 वज्र से रिलेटेड सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहली बात आर्टिलरी। इस शब्द का मतलब क्या होता है, आर्टिलरी गन्स होती क्या है, इसके बारे में काफी बार आपने किसी आर्टिकल में या फिर किसी न्यूज पोर्टल में सुना होगा। देखो, आर्टिलरी एक टाइप होती है मिलिट्री इक्विपमेंट की, आप कह सकते हैं। आर्टिलरी को कहा जाता है किंग ऑफ द बैटल फील्ड, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड वॉर 1 देखो और वर्ल्ड वॉर 2 देखो, तो दोनों वॉर्स में आर्टिलरी ने मेजर रोल निभाया था फॉर द विनिंग साइड। आर्टिलरी आपको 3 कैटेगरीज में मिलेगी। एक होती है हाउइट्सर, फिर होती है आर्टिलरी गन, या फिर उसको आप सीधा गन भी कह सकते हैं, लॉन्ग रेंज गन होती है, फिर होते हैं मोर्टार। इसमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये बैटल फील्ड है, ठीक है, ये आपके सामने एक प्लेन लैंड है, फिर यहाँ पे आती है एलिवेशन, एक पहाड़ी है, कुछ हिल्स है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका टारगेट है, दुश्मन यहाँ पे है। तो दुश्मन अगर आपका हिल साइड के पीछे है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप वहाँ पे यूज़ करोगे मोर्टार या फिर हाउइट्सर का। आप काफ़ी बार सुनते होंगे कि इंडिया पाकिस्तान में मोर्टार्स की फायरिंग हुई है, शेल गिर गए। तो मोर्टार बेसिकली इस टाइप का होता है, आपको इसमें एंगल बहुत हाई मिलता है, मोर्टार को आप इस तरीके से फायर कर सकते हैं और कोई भी पहाड़ी एलिवेशन हो इसको क्रॉस करके यहाँ पे गिरेगी। इसमें आपको रेंज कम मिलेगी, एलिवेशन ज़्यादा मिलेगी। फिर अगर मान लो कि आपका दुश्मन यहाँ पर है, आपको रेंज ज़रा चाहिए, वहाँ पर आप यूज़ करोगे हाउइट्सर। हाउइट्सर आर्टिलरी गन का एक फ़ायदा ये भी होता है, इसको आप कैरी कर सकते हो, मतलब कि इसका वेट कम होता है। आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना है किसी हेलीकॉप्टर से, तो आप इसको उठा सकते हैं, इट इज़ क्वाइट लाइट वेट। मोर्टार और हाउइट्सर लाइट वेट होती हैं। फिर होती है जेन्युइन आर्टिलरी गन। इसमें आपको रेंज काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, मगर एलिवेशन जो होता है, आप कह सकते हैं एंगल ऑफ फायर, वो रिलेटिवली कम होता है। तो इंडिया जैसा देश जहाँ पे हमारे पास वेरियस बैटल फ्रंट है, चाइना के साथ बहुत सारे पहाड़ हैं, हिली एरिया है, इवन पाकिस्तान के साथ कारगिल एरिया में, और फिर हमारी एक बहुत बड़ी प्लेन रेंज है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान पंजाब में बिल्कुल प्लेन सपाट लैंड है, तो हमें बेसिकली हर टाइप की आर्टिलरी गन चाहिए अगर हम प्रॉपरली रेडी रहना चाहते हैं फॉर वॉर। इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार हम वेरियस टाइप की आर्टिलरी गन्स इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये बात पहले मैं आपको बता दूं कि 1980s और 90s के आसपास में हमने कुछ आर्टिलरी गन्स खरीदी थी, कुछ स्वीडन से, कुछ USSR से, उस वक्त रशिया नहीं था, USSR था। उसके बाद से हमारे देश में कोई भी आर्टिलरी गन 3 दशक तक नहीं आई। प्राइमरली इसका रीज़न था डिफेंस बजट में कंस्ट्रेंट्स। फिर उसके बाद नवंबर 2018 से हमने देखा है कि लगातार आर्टिलरी गन्स आर्मी को मिल रही हैं। इसमें एक तो है M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्सर, ये हमने परचेज करी है फ्रॉम USA। फिर है K9 वज्र, ये साउथ कोरिया से आई है, कुछ इंडिया में भी इसको असेंबल किया जाएगा अंडर मेक इन इंडिया, मगर प्राइमरली आप कह सकते हैं ये साउथ कोरियन प्रोडक्ट है। ये आपके सामने फोटो है अल्ट्रा लाइट हाउइट्सर की M777। खासियत इसकी यही है, पहली बात तो आपको इसमें अच्छी रेंज मिलती है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये। आप इसको एक हेलीकॉप्टर, फॉर एग्जांपल एक चिनूक हेलीकॉप्टर से आराम से लिफ्ट कर सकते हैं और कहीं और प्लेस कर सकते हैं, तो इससे आर्मी को काफ़ी हद तक सहूलियत मिलती है। M777 हाउइट्सर की टोटल रेंज बताई जाती है रफली 30 किलोमीटर्स तक, मगर ये 30 किलोमीटर्स लिखा जाता है, आप कह सकते हैं जो ऑपरेशनल रेंज है ज़्यादातर जो उसको आप यूज़ करोगे ना बैटल फील्ड, ये रफली 25 से लेकर 28 के आसपास होती है। ये हमने खरीदी है फॉर 5,000 करोड़ रुपीस। फिर आती है K9 वज्र, इसकी फोटो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और K9 वज्र आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी है,
इसमें आपको एलिवेशन कम मिलेगा, अगर इसमें आपको रेंज बहुत ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू हवेटसर, मगर ऑब्वियसली इसको आपको अगर कैरी करना है, इसको आपको जल्दी से कश्मीर से लेकर जाना है पंजाब, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसको मोस्ट प्रोबेबली थ्रू रेल ट्रैक्स आप ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। फिर इंडिया में हम लोग डेवलप कर रहे हैं धनुष हावेटसर, धनुष गन सिस्टम है कंप्लीट, और इसको हमने डिजाइन किया है बोफोर्स पे। बोफोर्स गन जब हमने परचेज करी थी फ्रॉम स्वीडन, तो उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमको मिला था, तो हमने वो टेक्नोलॉजी को स्टडी किया और खुद अपने लिए धनुष आर्टिलरी गन बना दी है। ये तीसरी टाइप की आर्टिलरी गन थी जिसको आर्मी में इंडक्ट किया गया आफ्टर K9 वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट हावेटसर। फिर अब चौथी गन आ गई है हमारे पास, इसको इंडक्ट कर दिया गया है और ये 18 इंडक्ट हो जाएंगी इंडियन आर्मी में मार्च 2020 तक। इसका नाम है शारंग। शारंग बेसिकली पहले एक रशियन गन थी, उसको हमने इंडियन गन में मॉडिफाई किया है, ये मैं आपको बता दूं। पहले ये रशियन गन थी, इसका नाम था M47 फील्ड गन। अब इसकी रेंज हमने बढ़ा दी है, रेट ऑफ फायर बढ़ा दिया है और कुछ और अपग्रेडेशन भी करी है, तो अब हमने इसको एक इंडियन वर्जन बना दिया है शारंग आर्टिलरी। इस गन की खासियत यह है कि इसकी रेंज काफी ज्यादा है, रेंज मैक्सिमम इसकी है 39 किलोमीटर तक, जो काफी इंप्रेसिव है। ये अल्ट्रा लाइट हावेटसर या फिर इवन धनुष से भी काफी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे आप एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं, जो इसका एमिनेशन होगा, उसमें एक्सप्लोसिव कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है। मतलब कि जब इसका आप एम्युनेशन लॉन्च करेंगे, इसको आप फायर करोगे, तो जहाँ भी ये फायर करेगी वहाँ पे आपको ज़्यादा पोटेंशियल डैमेज देखने को मिलेगा। तीसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ज़रातार आज के समय जो आर्टिलरी गन का एम्युनेशन है वो होता है 155 mm का, तो जो M47 गन्स थी उनका जो एम्युनेशन यूज़ करते थे हम वो था 135 mm शेल्स। ये इंटरनेशनल मार्केट में मिलते नहीं है और इनको मैन्युफैक्चर करना भी मुश्किल होता है, तो सिंस ज़्यादातर गन्स में हम 155 mm शेल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो सारंग भी इसको यूज़ करेगा, तो ये आप कह सकते हैं मेन स्ट्रीम में आ चुका है इन टर्म्स ऑफ एम्युनेशन। नाउ जो आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन है ये आने वाले टाइम में चलती रहेगी और टोटल इसमें कॉस्ट आने वाली है 1,00,000 करोड़ रुपये की। जी हाँ, आर्टिलरी गन का जो ये अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है ये हमारे देश की सेवा करेगा लगभग आप कह सकते हैं 15 से लेकर 20 साल तक। इसमें इंडियन आर्मी टोटल 814 माउंटेड गन्स खरीदेगी, 1580 टोट गन्स खरीदेगी और 100 ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और 180 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और फाइनली 145 अल्ट्रा लाइट हावेटसर्स। तो ये वेरियस गन्स हैं फॉर वेरियस ट्रेन्स इन इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे ये जो हावेटसर हम यूज़ करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अरुणाचल, उत्तराखंड और ये जो कश्मीर का एरिया है लद्दाख के आसपास, यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे। और जो हमने ली है K9 वज्र वो प्राइमरीली यूज की जाएगी पंजाब राजस्थान बॉर्डर के आसपास। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव कि जो शारंग गन है इसको मैन्युफैक्चर किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, जो आपको मिलेगा कानपुर में, ठीक है, कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। और इस गन की एक और खासियत ये भी है कि सिंस ये एक इंडिजिनस गन है तो मोस्ट प्रोबली इन द फ्यूचर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप की गन्स की इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड भी होती है एंड इंडिया कैन एक्सपोर्ट इट एट अ रेदर चीप प्राइस। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।